हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर नगर परिषद द्वारा भारी यात्रियों के लिए ठहरने के लिए बनाया गया आश्रय स्थल इन दिनों बदहाली का शिकार नजर आ रहा है। हालात ये है कि यहाँ नहाना धोना तो छोड़ो, पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। पिछले करीब 6 माह से पानी के अभाव का दंश झेल रहे आश्रय स्थल में रुकने वाले यात्री भी बेहद परेशान हैं, क्योंकि आश्रय स्थल में सोने को चारपाई तो मिल जाती है, लेकिन स्नान घर और शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहाँ ठहरने वाले यात्रियों को नहाने और शौच के लिए सुलभ शौचालयों और आसपास की सराय का सहारा लेना पड़ता है। आश्रय स्थल में रुकने वाले यात्रियों की माने तो पिछले 6 माह से आश्रय स्थल में स्नान घर और शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के अभाव में शौचालय और स्नान घर की सफाई व्यवस्था भी लाचार हो चुकी है। यहाँ तक कि आश्रय स्थल में पीने तक को पानी नहीं है। यहाँ आने वाले यात्रियों को पीने का पानी भी अपने जेब से खरीदना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार आश्रय स्थल में पानी की किल्लत के चलते कई बार नगर परिषद को अवगत करवाया गया है, लेकिन इस समस्या पर नगर परिषद कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। गौरतलब है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर परिषद ने बाहर से आने वाले लोगों को रुकने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में इस आश्रय स्थल का निर्माण करवाया था। उस समय तत्कालीन सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, नगर परिषद सभापति लूनकरण बोतरा, प्रतिपक्ष नेता मदन चंडक और पार्षद ने इसका विधिवत लोकार्पण किया था, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये आश्रय स्थल इन दिनों बदहाल नजर आ रहा है। ऐसे में देर शाम व रात को आने वाले मुसाफिरों को महंगे दामों में होटलों का सहारा लेना पड़ रहा है और नगर परिषद शिकायतों के बाद भी इस आश्रय स्थल की सूत लेता नजर नहीं आ रहा। मेरा नाम राम निवास है, मैं जोधपुर से यहाँ कोई मेडिकल के लिए आए थे, यहाँ रुकते हैं। थोड़ी यहाँ पर पानी की दिक्कत है इस आश्रय स्थल में, तो बाकी पानी की वजह से साफ सफाई का भी कम मेंटेनेंस हो पाता है, पानी है नहीं, तो नहाने धोने के अलावा पीने का पानी भी नहीं है। तो ये कितने समय से समस्या आ रही है आप चूँकि लगातार? बीच में एक बार और आया था सितम्बर में, और अभी भी ये पानी में इधर आया तो अभी ये दिक्कत है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।